दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया इन दिनों जनता की अदालत में बॉलीवुड जो है वो पूरी तरीके से कल्प्रिट साबित हो गई है। यानी कि भैया जनता की अदालत ने बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को भैया मुजरिम साबित कर दिया है। और अब जनता ने इन बड़े बड़े कलाकारों को, इन बड़े बड़े मेकरों को अपनी अदालत के माध्यम से सजा देना भी शुरू कर दिया है। यानी भैया इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद हम ये ना कहें तो क्या कहें मेरे भाई। और भाई इन दिनों जनता की जो असली ताकत है वो बॉलीवुड के हाथ से निकलकर अब साउथ के बड़े बड़े मेकरों के हाथ में जा चुका है, साउथ के बड़े बड़े कलाकारों के हाथ में जा चुका है। और भाई अब साउथ के बड़े बड़े मेकर, साउथ के बड़े बड़े कलाकार अपनी फिल्मों के माध्यम से पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है मेरे भाई। और ये ताकत कैसे चलेगी साउथ इंडस्ट्री के हाथ में, तो भैया उसका बस एक ही जवाब है कि भैया साउथ के मेकरों ने, साउथ के बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों ने, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भैया जनता को हमेशा आईना दिखाने की कोशिश की अपनी सोच वाली, और यही बात जनता को नागवार गुजरी। और भाई बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर बहुत ही आसानी से धराशाही होने लगी। हाल फिलहाल में ही लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का क्या हश्र हुआ ये बात तो किसी से नहीं छुपा। लेकिन भैया इन्हीं दोनों फिल्मों के सामने भैया साउथ इंडस्ट्री की एक लो बजट की फिल्म आई थी जिसका नाम था कार्तिकीय का पार्ट टू, जिसमें हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराणों का ज्ञान मिल रहा था। और भाई जब इस फिल्म के बारे में ऑडियंस को पता चली तो भैया ऑडियंस ने भी आंख बंद करके सिनेमा की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया कि भैया हम इस फिल्म का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भैया इस फिल्म में हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे वेद पुराणों का ज्ञान मिल रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों इसी वजह से कार्तिकीय के पार्ट टू ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया। यानी कि इस फिल्म के साथ पहले तो अन्याय ये हुआ था कि भाई हिंदी बेल्ट में इस फिल्म को केवल पहले दिन 50 स्क्रीन मिले थे, और भाई 50 स्क्रीन के माध्यम से ये फिल्म हिंदी बेल्ट में एंट्री मारती। और भाई जैसे ही ये फिल्म एंट्री मारती है हिंदी बेल्ट में कि भैया इस फिल्म को ऐसा प्यार मिलता है कि भाई हिंदी बेल्ट के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी एक्सट्रीब्यूटर हैं, उनको इस फिल्म के आगे झुकना पड़ता और अपनी जिद को साइड में रखकर इस फिल्म को अब 1000 स्क्रीन देना पड़ता है। यानी भैया अब इस फिल्म का जो स्क्रीन काउंट है पूरे इंडिया में 1000 हो गया है। और भाई डे बाई डे ये फिल्म जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है मेरे भाई बॉक्स ऑफिस पर। यानी भैया इस फिल्म का पहला वीक कंप्लीट हो गया है 6 दिनों के माध्यम से। तो भैया 6 दिनों में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन मिला है पहले आप वो जान लीजिए। तो दोस्तों आपको याद ही हुआ कि जब इस फिल्म की एंट्री हुई थी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड पहले दिन कितने का कलेक्शन मिला था, तो भाई वो आंकड़ा था 8 करोड़ 80 लाख रुपीज़ का, जिसमें से 5 करोड़ 10 लाख रुपीज़ जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था। उसके बाद इस फिल्म को दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 8 करोड़ 50 लाख रुपीज़ का, जिसमें से 5 करोड़ 5 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था। और भाई इस फिल्म ने दूसरे दिन हिंदी बेल्ट से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 27 लाख रुपये का, और पहले दिन भैया इस फिल्म को केवल 7 लाख का बिजनेस मिला था हिंदी बेल्ट से। उसके बाद इस फिल्म को तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 9 करोड़ 50 लाख रुपीज़ का, और भैया उसमें से 5 करोड़ 35 लाख रुपीज़ जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था। और उसके बाद भैया इस फिल्म को तीसरे दिन हिंदी बेल्ट से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का। उसके बाद इस फिल्म को चौथे दिन वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 5 करोड़ 68 लाख रुपीज का, जिसमें से 3 करोड़ 12 लाख रुपीज जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था। यानी कि इस फिल्म ने चौथे दिन हिंदी बेल्ट से जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 28 लाख रुपीज का। उसके बाद पांचवे दिन इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पर वो आंकड़ा था 5 करोड़ 60 लाख रुपीज का, जिसमें से 3 करोड़ 4 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था। और इस फिल्म को पांचवें दिन हिंदी बेल्ट से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 38 लाख रुपीज का। और उसके बाद छठे दिन इस फिल्म को जो भैया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस पर वो आंकड़ा है 4 करोड़ 30 लाख रुपीज का, जिसमें से 2 करोड़ 70 लाख रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। और इस फिल्म को भैया छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 1 करोड़ 64 लाख रुपीज। यानी भैया इस आंकड़े में एक बात आप ये खास देखोगे कि भैया हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म को पर डे बेहतरीन प्रदर्शन मिला। यानी कि हिंदी लैंग्वेज में ये फिल्म हर दिन ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही है। यानी कि इस फिल्म को अब तक वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन मिल चुका है बॉक्स ऑफिस पर वो आंकड़ा है 42 करोड़ 13 लाख रुपीज का, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर शेयर जो है वो आंकड़ा है 23 करोड़ 83 लाख रुपीज का। यानी कि अगर हम पूरे इंडिया से बात करें तो भैया इस फिल्म को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो अब तक कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 26 करोड़ 53 लाख रुपीज का। हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 5 करोड़ 75 लाख रुपीज का,
तमिलनाडु से इस फिल्म को 70 लाख रुपीज का बिजनेस मिल चुका है, कर्नाटक से इस फिल्म को 1 करोड़ 50 लाख रुपीज का बिजनेस मिल चुका है और रेस्ट ऑफ इंडिया से इस फिल्म को 50 लाख रुपीज का बिजनेस मिल चुका है। और उसके बाद अगर उन्होंने बात कर लिया ओवरसीज की तो ओवरसीज से इस फिल्म को 6 करोड़ 12 लाख रुपीज का बिजनेस मिल चुका है। यानी कि भैया ये फिल्म ब्लॉक बस्टर हिट साबित हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया इस फिल्म को इतना सपोर्ट इतना प्यार क्यों मिला ऑडियंस की तरफ से? तो भैया उसका बस एक ही जवाब है कि भैया इस फिल्म में आप ये बात पाओगे कि भैया इस फिल्म ने हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारे वेद पुराण हमारे देवी देवताओं का सम्मान बढ़ाया है और हमें वो ज्ञान दिया है जिससे भैया हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वो विमुख हो गई थी या फिर कहें भैया उनको विमुख करने की कोशिश की जा रही थी। पर भाई अगर ऐसी फिल्में बनकर आएंगी बॉक्स ऑफिस पर तो उसको देखने के बाद ऐसा तो लग रहा है कि भैया ऑडियंस ने भी अब ये मन बना लिया है कि वो अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति अपनी देवी देवता और अपने धार्मिक संस्थानों के साथ में अब मजाक होते हुए सिनेमाघरों में नहीं देखना चाहते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।